किया है। ब्रिटिश नागरिकता पर सवाल उठाए गए थे सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा, जिस पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया राहुल गांधी को, उनसे जवाब तलब किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। दरअसल स्वामी ने नागरिकता पर उठाए थे राहुल गांधी की, आपको याद होगा किस तरह से हाल फिलहाल में भी उनके नामांकन में भी सवाल उठाए गए थे, जिसको खारिज कर दिया था चुनाव आयोग ने। अब एक बार फिर से उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन इस बार MHA यानी कि गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है राहुल गांधी को और जवाब मांगे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आतिर इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हैं। आतिर, ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या कहा गया है इस नोटिस में, क्या क्या पॉइंटर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या क्या सवाल उठाए थे और क्या क्या जवाब राहुल गांधी से मांगे गए। देखिए, इस नोटिस की कॉपी हमारे पास मौजूद है और ये जो आंचल नोटिस भेजा है फॉरनर्स डिवीजन, जो विदेशी जो नागरिकता का विभाग है, वो उसने ये नोटिस भेजा है और उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि ये नोटिस जो जारी किया गया है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जो शिकायत दर्ज की थी गृह मंत्रालय में, उसके लिए इनसे जवाब मांगा गया है कि स्पष्टीकरण दें राहुल गांधी के, उनका इस बारे में क्या कहना है। इसमें जो आरोप लगे हैं वो ये हैं कि सन 2003 में यूनाइटेड किंगडम में एक कंपनी खोली गई थी, इसका नाम था बैक ऑप्स लिमिटेड, जिसमें राहुल गांधी को बताया गया कि वो एक इसके डायरेक्टर थे, वन ऑफ द डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी रहे इस कंपनी के, और इस कंपनी का पता जो है वो भी UK का दिया हुआ है और ये जो हैम्पशायर है वहां का इसमें पता दिया गया है, और इस जो कंपनी में डिटेल्स जो वहां पर दिए गए थे इस कंपनी के बारे में और डायरेक्टर्स के बारे में जानकारी दी जाती है जब कंपनी रजिस्टर की जाती है, तो उसमें इनका जो डेट ऑफ बर्थ है यानी जो जन्मदिन है वो 19/6/1970 दिया गया था और उसमें ये लिखा गया था कि ये ब्रिटिश जो है ब्रिटिश नागरिक हैं। तो उसके बाद जब कंपनी को डिसॉल्व किया गया सन 2009 में, उस समय भी यही जानकारी दी गई। तो ये शिकायत दर्ज की है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, जिसका संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय के फॉरनर्स डिवीजन जो है उन्होंने राहुल गांधी को ये नोटिस भेजा और कहा है कि वो इसमें जो फैक्चुअल पोजीशन है जो इसमें तथ्य है उनके पास, वो उनको सामने रखे और गृह मंत्रालय को उसका जवाब। ठीक है, 15 दिन की मोहलत इसके लिए दी गई है। अब आखिरकार इतने समय बाद क्यों ये सवाल उठा है, इसकी टाइमिंग को लेकर भी कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू होगी। आते हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अब सीधे रुख करते हैं मंच का, हमारी खास पेशकश का।